हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडूफाइल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोग ने जाना था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है डेनियल सेल। उसमें हम लोगों ने जाना था कि डेनियल सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, या फिर हम कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन करा के वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कौन सा सेल? डेनियल सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करते हैं, ये इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं सेल को। सेल को क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ पे मैंने एक सोर्स लगा दिया बैटरी की तरह, और बैटरी से हम क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है, इसमें भी दो इलेक्ट्रोड होते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सॉल्ट भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको याद रखना है कि हम यहाँ पे क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या कराना है, रिडॉक्स रिएक्शन। सेल में क्या कराना है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। इज दैट क्लियर? जैसा कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ इस बैटरी का। अब जैसा बैटरी है, बैटरी को क्या करते हैं, हम चार्ज करते हैं, फिर यूज़ करते हैं, फिर चार्ज करते हैं, फिर यूज़ करते हैं। तो जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो ये बिहेव करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। जी हाँ, जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करता है। और जब बैटरी डिस्चार्जिंग पे होती है, मतलब कि जब हम मोबाइल में यूज़ करते हैं, तो ये बिहेव करती है डेनियल सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। ये डेनियल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करती है जब हम क्या करते हैं, बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं यानी यूज़ करते हैं। अब कैसे, इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, मतलब चार्जर लगाते हैं। चार्जर लगाते हैं किस लिए, बैटरी की तरह। जैसा कि हम इसमें बैटरी दे रहे हैं वैसे चार्जर लगाते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो बैटरी में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है और ये चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं जब हम किसी बैटरी को चार्ज करते हैं तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। और जब हम डिस्चार्ज करते हैं किसी बैटरी को, यूज़ करते हैं, तो वो बिहेव करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। इज दैट क्लियर? अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी दो इलेक्ट्रोड होते हैं। अब जो एनोड होता है यहाँ पे वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था, जस्ट अपोजिट। वहाँ पे एनोड नेगेटिव होता था और कैथोड पॉजिटिव होता था। इज दैट क्लियर? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव एंड कैथोड नेगेटिव। अब मेन बात ये करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के यूजेस क्या हैं। जैसा कि मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे लगा दिए, एक पे ऑक्सीडेशन होगा और एक पे रिडक्शन होगा। और यहाँ पे मैंने लिया सोल्यूशन NaCl का जो कि इलेक्ट्रोलाइट है। इज दैट क्लियर? तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से हम किसी भी सॉल्ट के मेटल को सेपरेट कर सकते हैं। जी हाँ, अब जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाल दिया NaCl, तो जैसे ही हमने इसमें करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया, Na और Cl ब्रेक हो जाएगा, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। अब Cl वाला किधर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, यानी इस तरफ कह सकते हैं जाएगा, और Na वाला इस तरफ जाएगा। इस तरह से सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा, सोडियम हमको अलग मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं किसी भी मेटल को रिफाइन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज़ करते हैं। और क्या यूजेस हैं, फॉर सेपरेटिंग मेटल्स, प्योर मेटल फ्रॉम मेटेलिक कंपाउंड्स। इज दैट क्लियर? और फॉर रिचार्जिंग बैटरी, जैसा कि मैंने बैटरी का एग्जांपल दिया आपको कि किसी भी बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करता है, और किसी बैटरी को जब हम डिस्चार्ज करते हैं मतलब यूज़ करते हैं तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है। फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर को ब्रेक डाउन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमिस होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। यही हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मदद से हम किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं। इज दैट क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।